Hello everyone, how are you? I hope you all are fit and fine and doing good at your place. I'm Monica from Madras Senior Secondary School, Khai Sirgat. In previous classes, we discussed about exercise 2.1 and today we start exercise 2.2. This exercise is about subtraction. First, we study about subtraction and its rule. And next we start our exercise. Okay students, it is clear now. Subtraction. We subtract the smaller number from the greater number. The greater number is called minion and the smaller number is called subtrahend. The result we get after subtraction is called difference. तो इसमें क्या बोला गया है कि जो हम big value है बिग वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू को माइनस किया जाता है, तो जो बिग वैल्यू होता है उसको क्या कहते हैं, मिन्योंट, एंड जो स्मॉल वैल्यू है उसको सबट्रेंड, एंड जो उनका जो डिफरेंस होता है उसको बिग वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू को माइनस करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आता है उसको क्या कहते हैं, डिफरेंस. ठीक है, कि उनमें कितना डिफरेंस है. तो अभी इसके रूल्स. Subtraction of large number working rule to find the difference of two numbers. Step 1. Okay students. Step 1. Write the number in the place value chart one below the other. Always put greater number above the smaller number. पहले क्या करना है? Place value chart के नीचे उसको नंबर को राइट करना है और फिर ऑलवेज पुट ग्रेटर नंबर, जो ग्रेटर नंबर है उसको ऊपर की ओर राइट करना है और फिर नीचे स्मॉल नंबर. पहले प्लेस वैल्यू चार्ट, प्लेस वैल्यू राइट करोगे वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, इस प्रकार, और फिर जो ग्रेटर वैल्यू है वो लिखोगे, फिर उसके बाद में स्मॉल वैल्यू राइट करनी है. Second step, start subtracting the extreme right column and proceed to left. Right column से left की ओर आना है. Right column इस side से ऐसे चलना है हमें. Okay students, and third rule, remember to regroup the number whatever necessary. ग्रुप के जो नंबर है उनको रिमेंबर रखना है हमें. ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे 3 स्टेप. तो अभी स्टार्ट करेंगे तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. लेट्स वी स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें ऊपर प्लेस वैल्यू दे रखी है, उसके बाद में बिग जो बिग नंबर है वो, फिर स्मॉल नंबर, एंड देन हमें रिजल्ट फाइंड करना है. तो फर्स्ट पार्ट कैसे होगा, देखो ये क्या है, ऊपर प्लेस वैल्यू वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लेक, टेन लेक. फिर इसके नीचे है ये नंबर, बिग नंबर की वैल्यू और ये स्मॉल नंबर. अब हमें करना है इसको माइनस. फोर माइनस फोर ज़ीरो, ये यहाँ पे वन, वन माइनस फाइव, वन माइनस में फाइव तो नहीं होता ना, तो हम क्या करेंगे, इधर वाली साइड से एक कैरी लेंगे. कैरी ली तब ये कितना हो गया, वन से जब एक इधर से इधर वाली साइड लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इलेवन. इलेवन इलेवन में से फाइव माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिक्स. तो यहाँ पे राइट किया सिक्स, एंड यहाँ पे कितना रह गया, फिर एक कैरी इधर वाली साइड राइट साइड में चली गई, तो यहाँ पे रह गया थ्री. थ्री माइनस वन टू, फाइव माइनस फोर वन, टू, टू माइनस थ्री, फिर कैरी लेनी पड़ेगी इधर से, क्योंकि टू माइनस थ्री तो होते ही ना, क्योंकि ऊपर वाली साइड बिग वैल्यू होनी चाहिए और नीचे स्मॉल वैल्यू. तो बिग वैल्यू बनाते टाइम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से कैरी लेंगे. तो ये कितना हो गया, ट्वेल्व. टू है, वन कैरी लेंगे कितना हो जाएगा, ट्वेल्व.
12 माइनस 3 9, तो यहाँ पे कितना रह गया, पहले यहाँ पे 3 था, अब कैरी एक इधर वाली साइड एक कैरी चली गई, यहाँ पे रह गया 2, 2 माइनस 8 तो फिर भी नहीं होता, तो ये नंबर भी इधर वाली साइड से कैरी लेगा, इसका कितना बन जाएगा 12 माइनस 8 तो ये हो गया 4, एंड यहाँ पे कितना रह गया 8 माइनस 6 2, तो इस प्रकार आपको कैरी लेके जो ऊपर अगर स्मॉल वैल्यू है और नीचे लार्ज वैल्यू है तो हम लेफ्ट साइड से कैरी ले लेंगे और फिर रिजल्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, वन माइनस 8, तो हमें पता 1 माइनस में 8 तो होंगे नहीं क्योंकि ऊपर स्मॉल वैल्यू है नीचे बिग वैल्यू है, तो 1 कैरी लेंगे इधर से, ये हो गया 11, 11 माइनस 8 3, फिर यहाँ पे रह गया 8 माइनस 3 5, एंड यहाँ पे फिर कितना रह गया 1 है तो 1 कैरी लेंगे इधर से, ये हो गया 11 माइनस 8 3, फिर यहाँ पे 4 की जगह 3 रह गया क्योंकि एक कैरी चली गई यहाँ से, तो फिर क्या करेंगे, एक और इधर वाली साइड से लेफ्ट साइड से कैरी लेंगे, कितना हो गया 13 माइनस 7 6, यहाँ पे रह गया 3 माइनस 1 2, एंड देन यहाँ पे कितना रह गया 6 का 6 ही है ना यहाँ पे, तो क्योंकि यहाँ इस वाली साइड से तो कैरी ली नहीं, तो 6 माइनस 4 2, एंड देन 6 माइनस 3 तो ये रिजल्ट आ जाएगा। फिफ्थ वाला पार्ट देखो, 9 माइनस 6 3, यहाँ पे 0 माइनस 2 नहीं होंगे तो कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 10 माइनस 2 8, यहाँ पे रह गया ये 2 कैरी लेंगे तब क्या हो जाएगा 12 माइनस 8 4, और यहाँ पे कितना रह गया 5 रह गया, तो ये इधर से एक कैरी लेंगे, ये 15 हो जाएगा, 15 माइनस 7 8, ये कितना रह गया 4 का रिजल्ट आ जाएगा 4, और यहाँ पे 0 माइनस 6 नहीं होंगे तो इधर से कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 10 माइनस 6 4, 6 माइनस 1 5 2 का 2, इस तरह आपको फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करना है। सेकंड में फाइंड द डिफरेंस, एंड थर्ड पार्ट में फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग, इन सभी में सब्ट्रैक्शन ही करना है सभी को, जिस तरह मैंने अभी जो क्वेश्चन कराए ना ऐसे ही करने हैं आपको, बी एंड सी पार्ट, इट्स वेरी इजी एक्सरसाइज, तो इसके कुछ पार्ट किए हुए हैं मेरे, देखो बी का पार्ट 1, 2, 6 पार्ट किया हुआ है, एंड सी का 1 और 4, रिमेनिंग पार्ट आप खुद करोगे। तो पहले कैसे करोगे, बिग वैल्यू लिखोगे और फिर उसके बाद में स्मॉल वैल्यू, एंड देन डिवाइड, 15 माइनस 9 क्योंकि यहाँ पे 5 माइनस 9 तो होगा नहीं इसलिए 1 कैरी लेंगे, तो ये हो जाएगा 6, और ये 15 हो जाएगा, 15 माइनस 9 6 आ जाएगा, और यहाँ पे रह गया 9 माइनस 9 0, यहाँ पे ये रह गया 8 इधर, फिर 1 कैरी लेंगे, कितना हो जाएगा 18 माइनस 9 एंड यहाँ पे रह गया 2 का, फिर यहाँ पे नीचे बिग वैल्यू है तो फिर कैरी लेनी पड़ेगी, 12 माइनस 8 4, और इधर रह जाएगा यहाँ पे कितना रह गया 5 है तो फिर कैरी लेनी पड़ेगी, ये हो जाएगा 15 माइनस 7 8, फिर यहाँ पे रह गया 5, और ये 3 माइनस 1 2। ओके स्टूडेंट, इट्स क्लियर नाउ, कैरी वाले क्वेश्चन है ये।
ऊपर अगर स्मॉल वैल्यू है नीचे लार्ज वैल्यू है तो कैरी लेनी पड़ेगी लेफ्ट साइड से। सिमिलरली सेकंड पार्ट एंड सिक्स पार्ट, 4-0 4, 8-0 8, 1-1 1-1 माइनस